देंगे कि जैसे इंडिया कर रहा है और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, इतनी आईटी की फील्ड्स हैं हमसे ज़्यादा ही हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी आईटी को इम्प्रूव करें, अपनी टेक्नोलॉजी को देखें, अपनी हर चीज़ को देखें। ऐसे तो हम दुनिया से पीछे ही होते जा रहे हैं। ठीक, जो काम 5 मिनट में होगा उसी काम को घंटा लग जाता है, ठीक है। और इंडिया 6G लॉन्च कर रहा है, समझ लो जो काम 5 मिनट में होना वो 1-2 मिनट में उन्होंने करके हल कर लेना। हमें चाहिए सर, मैं तो यही कहूँगा उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बाइस है। वो इसलिए है कि हमें 4G के नाम पे भी धोखा दिया जा रहा है, हालांकि पिछले दिनों में इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट हुआ था 4G के हवाले से, तो जब चेक किया गया तो वो 3G की स्पीड थी 4G के नाम पे। इंटरनेट के हवाले से देखा जाए तो उनसे बहुत पीछे है। उन्होंने 5G 6G की लॉन्च करने की तैयारी है, हमारा तो अभी अल्लाह खैर करे 4G भी प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा। और अगर पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें तो वो बहुत अवेयरनेस है उनमें, उन लोगों में वो टेक्नोलॉजी के हवाले से। जब कोविड था ना तो पाकिस्तानी सारे बैठ गए थे, वो सारे यूट्यूबर्स पे आ गए थे, उन्होंने अपने किसी भी एक से वो स्टॉप हुए तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, उन्होंने अर्निंग अपनी स्टॉप नहीं की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, आपका नाम? असद। असद, असद साहब आज मेरा सवाल ये है कि इंडिया जो है वो 6G की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान अभी तक 4G की स्पीड मुकम्मल नहीं फ्राहम कर पा रहा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं भी न्यूज़ देखी थी कि इंडिया ना 6G की तरफ उन्होंने अब मूव कर रहे हैं, वर्किंग उनकी जारी है उस पर। और जो हम देखा जाए तो पाकिस्तान में तो 5G के या 4G भी के जो नेटवर्क है ना वो भी सही से नहीं मिल रहे, ठीक है। इतने क्रैशेज़ हैं उसमें, नेट में इतने क्रैशेज़ हैं तो कुछ नहीं कह सकते। और इंडिया के देख लो 6G की तरफ लॉन्च कर रहा है, वैसे भी वो टेक्नोलॉजी की तरफ काफ़ी ज़्यादा वो गामजन है और काफ़ी उस पर वर्किंग कर रहा है, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी है उनकी, इसलिए वो हर चीज़ को साथ साथ लेके चल रहे हैं। सर मेन किरदार है इंटरनेट का, तो इंटरनेट की स्पीड ज़बरदस्त होगी तो ही आप अपनी स्टडी को, आप अपने एजुकेशन सेक्टर्स को, आप अपने दूसरे तमाम सेक्टर्स को जिनमें इंटरनेट यूज़ होता है दूसरे मुल्कों को साथ कनेक्टिविटी रखने के लिए, तो ये एक मेन किरदार अदा करता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे जी, इंटरनेट की स्पीड का किस तरह का होना चाहिए कि हमें तेज़ी के साथ जो है वो 5G की तरफ काम करना चाहिए, 6G की तरफ काम करना चाहिए? अभी तक हम 4G की स्पीड नहीं प्रोवाइड कर पा रहे मुकम्मल तौर पे। जाहिर सी बात है अगर इंटरनेट ठीक होगा तो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा असर पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे आईटी के फील्ड पे जो बैठे हुए हैं लोग वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। अब आप देखते हैं अगर नेट ही नहीं होगा, अच्छे से नेट ही नहीं होगा, एक फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी होगी तो वो फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं होगी, जो काम 5 मिनट में होगा उसी काम को घंटा लग जाता है, ठीक है। और इंडिया 6G लॉन्च कर रहा है, समझ लो जो काम 5 मिनट में होना वो 1-2 मिनट में उन्होंने करके हल कर लेना। हमें चाहिए कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को साथ साथ लेके चलें। आए जैसे आप जानते हो सैलाब आया, कोविड आया, पूरी दुनिया में आया, ठीक है। कोविड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया, ठीक है, इंडिया की आप देख लो, रोज़ न्यूज़ चैनल पे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी की नई वो चीज़ करते ही रहते हैं, ठीक है। रिसेंटली वो आईफोन 14 लॉन्च किया, मैन्युफैक्चरिंग की है मेड इन इंडिया, तो और उसके साथ आप देख लें अगर इंटरनेट होगा तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी और ज़्यादा वो तरक्की कर सकते हैं, उसके अलावा तो नहीं कर सकते। इम्प्रूवमेंट यही करनी चाहिए कि हम जो चीज़ फर्स्ट पे है ना टेक्नोलॉजी के लिहाज से, जो फर्स्ट पे चीज़ है उसको ले कर चले। हम फर्स्ट पे कुछ चीज़ जो होती है उसको देखते नहीं और आगे आगे मूव टू मूव करी जाते हैं। अब जैसा कि इंडिया है वो देखता है कि उसने 2G लॉन्च किया, 3G लॉन्च किया, उसमें अच्छा किरदार किया 4G पे, 5G पे या 6G पे, तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम सिर्फ डायरेक्ट ही आ जाएं 5G पे आ जाएं और इंटरनेट अच्छा प्रोवाइड करें ना लोगों को और 5G पे आ जाएं, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, लास्ट पे हमारी देखने वाली आवाम को कोई मैसेज देना चाहें आप? इंडिया को यही मैसेज है कि इंडिया को क्या है, हम इंडिया से देख के अपने पाकिस्तानी व्यू अपनी पाकिस्तानी आवाम को ये मैसेज देंगे कि जैसे इंडिया कर रहा है और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, इतनी आईटी की फील्ड्स हैं हमसे ज़्यादा ही हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी आईटी को इम्प्रूव करें, अपनी टेक्नोलॉजी को देखें, अपनी हर चीज़ को देखें। ऐसे तो हम दुनिया से पीछे ही होते जा रहे हैं। आज मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान जो कि अभी तक 4G की स्पीड मुकम्मल फ्राहम नहीं कर पा रहा और अगर इंडिया में देखा जाए तो वो 6G की तरफ मूव कर रहा है, तो 6G की तरफ मूव करना, उनका कदम उठाना, क्या कहेंगे इस पर? सर 6G की बात नहीं है, बात यह है कि उन लोगों का डिपार्टमेंट, उन लोगों की पॉलिसीज़ स्ट्रॉन्ग्स हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह जो कि अवाम के मफाद के लिए होती हैं, अवाम को रिलीफ देने के लिए होते हैं। इधर तो बस अवाम का सोचते नहीं है, बस अपनी इनकी गवर्नमेंट चलनी चाहिए। बात यह है, नेट की बात नहीं है यार, नेट तो बहुत से लोगों के पास अभी, हमारी जो बस्तियाँ उधर नहीं है अवेलेबल, लेकिन गुजारे हो रहे हैं,
लेकिन बात यह है, देखिए अगर आप अपने आने वाला मॉडर्न दौर देखें, अगर आईटी सेक्टर देखा जाए, एजुकेशन सेक्टर देखा जाए, एप्लीकेशन देखी जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टोटल काम है, हर फील्ड का काम जो कि अभी इंटरनेट के साथ जुड़ चुका है, तो इस पर आप क्या कहेंगे जी? अगर इंटरनेट की स्पीड हमें अच्छी नहीं मिलेगी, इंटरनेट अच्छा नहीं मिलेगा, तो आप कैसे काम कर सकते हैं इन तमाम सेक्टर्स में? सर मैं वही आपको बताने लगा था कि अभी आप स्पीड की बात करें, इधर कई ऐसे खानदान हैं जो रोटी खाए बगैर सो जाते हैं, इधर स्पीड नहीं, इधर लोगों को खाना प्रोवाइड करना ही इनके लिए वाले जान बना हुआ है, ऐसी नालायक गवर्नमेंट है। आप इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी में आगे चला जाएगा, तो सर ऐसे नहीं हो सकता। अभी ये अपने आवाम के हकूक नहीं, जो बेसिक्स हकूक है ना, वो ही नहीं प्रोवाइड कर सके, तो हम टेक्नोलॉजी, आईटी, एजुकेशन, हेल्थ, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में हम परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं और अपने लोगों के हकूक जैसे खाना, रिहाइश वगैरह, ये उन लोगों के पास ऑलरेडी होते हैं, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं। जब वो टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं तो पूरी इंडस्ट्री ग्रो अप करती है। ठीक है सर, तो हमें इम्प्रूवमेंट कैसे करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि हम हमारी इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी हो सके और हम तमाम सेक्टर्स में आगे बढ़ सकें, वो एजुकेशन का हो, आईटी का हो, या किसी भी हवाले से हो? सर हुक्मरानों को ना आवाम के लिए कुछ पॉलिसीज़ ऐसी करनी चाहिए जिसमें करप्शन ना हो, और ऐसे बंदे डिपार्टमेंट्स में लगाएं जो वाकई ही काम करें, काम की नियत से बंदे लगाएं, ये ना कि फेवरेटिज्म की जब तक फेवरेटिज्म लगता है तो वो बंदे काम नहीं करते, बस करप्शन, पैसा बनाएं और हुकूमत ख़त्म, यही चलता आ रहा है इस पाकिस्तान में। और साथ अगर पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें तो वो बहुत अवेयरनेस है उनमें, उन लोगों में वो टेक्नोलॉजी के हवाले से, जब कोविड था ना तो पाकिस्तानी सारे बैठ गए थे, वो सारे यूट्यूबर्स पे आ गए थे, उन्होंने अपने किसी भी एक से वो स्टॉप हुए तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, उन्होंने अर्निंग अपनी स्टॉप नहीं की, वो अपने वर्क को जारी रखा, इस वजह से आप देखें वो कहाँ इंडस्ट्री उनके ग्रोथ पर। अच्छा जी, लास्ट पे कोई हमारी देखने वाली जो ऑडियंस है जिसमें इंडियन है, पाकिस्तानी है, और जो उनकी अच्छी अचीवमेंट है 6G की तरफ मूव करना, कोई लास्ट पे पैगाम दे दें? सर मैं अप्रिशिएट करूँगा, इंडिया की रोज़ नई अचीवमेंट सुनते हैं, बहुत खुशी होती है, पड़ोसी मुल्क है, जो भी तनाजात हैं वो लेते हैं, लेकिन जो अचीवमेंट, जो वर्क करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उन पर उनको देख के बड़ा खुशी महसूस होती है। पाकिस्तानियों को कहूँगा यार खुदा के लिए मुल्क का सोच लो, ये हम 100 साल पीछे चलेंगे इंडिया से, जो उनके अचीवमेंट है ना हम 100 साल बाद अब शायद कर पाएँ, अगर कोई हुक्मरान हमें मिल जाए जो आवाम के लिए बेहतर हो, तो वो आवाम के लिए बेहतर होगा जाहिरी बात है, तो फिर स्टेप बाय स्टेप हम भी इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। सीम अली साहब, आज मेरा सवाल ये है कि अभी तक जो हम अपने इंटरनेट की बात करें तो हमारा इंटरनेट जो कि 4G की स्पीड भी इतनी प्रॉपर हमें नहीं मिल रही, और अगर इंडिया को देखा जाए वो 4G के बाद 5G और 5G के बाद अब 6G की तरफ मूव करने जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? सर मैं तो यही कहूँगा उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बाइस है, वो इसलिए है कि हमें 4G के नाम पे भी धोखा दिया जा रहा है, हालांकि पिछले दिनों में इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट हुआ था 4G के हवाले से, तो जब चेक किया गया तो वो 3G की स्पीड थी 4G के नाम पे, तो दूसरे नंबर पे हमें जो पैकेजेस मिल रहे हैं बहुत चीप रेट में मिल रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, हालांकि इंडिया में अगर आप देखते हैं तो वो मोदी जी का एक वो उनका वो फंक्शन था जिसमें उन्होंने जो है ना फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, एक उनकी वो डील थी, तो पाकिस्तानी सिर्फ हवाले से इंटरनेट के हवाले से देखा जाए तो उनसे बहुत पीछे है। उन्होंने 5G 6G की लॉन्च करने की तैयारी है, हमारा तो अभी अल्लाह खैर करे 4G भी प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा, वो भी बैठ जाता है सम टाइम, देखिए अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो बाद होता है 4G के सिग्नल गायब हो जाते हैं। हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही है, आप किसी बंद जगह पे या किसी साइड लोकेशन पे चले जाएं तो वहाँ आपका 3G भी जो है वो प्रॉपर नहीं चलता, 2G बड़ी हाँ 3G चलता है, 4G की स्पीड भी नहीं आती। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारा इंटरनेट बेहतर हो जाए और हमारे मुल्क में भी कोई खुशाइन कुछ अच्छे काम हो सकें? सर देखें इस टाइम आपको पता है डिजिटल दौर है, यूट्यूबर्स दौर है, सोशल दौर है, तो सबसे बेहतरीन जो हमें अगर हम कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं उसके लिए हमें नेट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इंटरनेट की स्पीड हमें बहुत अच्छी चाहिए, अगर ये कम होती तो इससे बहुत सारे मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं, बहुत सारे मामला रुक सकते हैं, क्योंकि ये फास्ट दौर है आपको पता है 2022 चल चुका है, तो हमें जो है ना 4G की बजाय हमें भी इंशाल्लाह अच्छे इकदाम करने चाहिए, हम भी जो है ना नेट के अलावा भी अगर देखा जाए तो बहुत सी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में अगर कंपेयर किया जाए इंडिया के हवाले से, तो हमें बेहतरी के लिए यही है कि हमें कुछ ना कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है। ठीक है, लास्ट पे हमारी देखने वाली जो ऑडियंस है उनको कोई मैसेज दे दें जिसमें इंडिया को जो 6G उनकी लॉन्च करने की तरफ जा रहे हैं या वो उस पर काम अभी स्टार्ट कर दिए, तो उस पर भी उनको कुछ कहना चाहें? सर देखा जाए किसी मुल्क के लिए कोई काम करना भी मुश्किल नहीं है, बस ये है कि हम लोग सोचते रहते हैं वो लोग कर जाते हैं, तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, सब इंसान जो हैं
दुनिया पे सबका माइंड ऑफ ह्यूमर जो है वो एक जैसा ही है, बस ये है कि हम यूज़ नहीं करते उनकी जो वहाँ में अपने माइंड को यूज़ करती है, ठीक है, उसको प्रैक्टिकली यूज़ करती है। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा जो हमारी पाकिस्तानी वहाँ में जो मुझे सुन रही है वो प्रैक्टिकली तौर पर इसको यूज़ करे, एम्प्लॉयमेंट करे और जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस चीज़ पे काम करें। ओके सर, थैंक यू। सवाल ये है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड जो है वो 4G भी पाकिस्तान को मुकम्मल फराहम नहीं की जा रही, और जबकि अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया में अभी 5G के बाद 6G की तरफ काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, 5G उनमें लॉन्च हो चुका है, जबकि तमाम का तमाम दारोमदार, तमाम का तमाम इंटरनेट अगर देखा जाए तमाम सेक्टर्स में इंटरनेट यूज़ होता है, तो हमारे मुल्क में इंटरनेट की स्पीड इतनी कम क्यों है और क्या वजह है? भाई सबसे पहले देखेंगे इंटरनेट की स्पीड जो है ना पाकिस्तान में बहुत ही कम है, चाहे वो आप जैज़ की सिम पे देख लें, जों की सिम पे देख, किसी भी सिम पे देख लें, स्पीड हमारी बहुत ही कम है नेट की। भाई देखेंगे ये जो पाकिस्तान की वाकई जो आप बात कह रहे हैं ना कि नेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, हम ऑफिस में वर्क करते हैं, हमें बहुत से मसले जो होते हैं ना, आए दिन कहीं लाइन कट जाती है, कहीं कोई मसला बन जाता है, तो नेट की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। तो इसके लिए हुकूमत को कुछ करना चाहिए, 5G करनी चाहिए, जबकि आउट ऑफ कंट्री में सबकी स्पीड ज़्यादा है नेट की, हमारे सिर्फ पाकिस्तान में कम है, पता नहीं क्या इशू है यार, इनको चाहिए कि अपनी। आप क्या करते हैं? मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ। आपको इंटरनेट की ज़रूरत पेश आती है कभी? आपको इंटरनेट का मसला पेश आता है? सोते वक्त, खाते वक्त, हर टाइम वक्त हमें इंटरनेट की ज़रूरत। कभी आपको मुश्किल पेश आई है? बड़ी दफ़ा आई है, हम ऑफिस में होते हैं तो नेट चला जाता है, हम वेले बैठे रहते हैं। यही बात है ना, देखिए अगर आपको इंटरनेट की अगर अच्छा फैसिलिटेट किया जाए तो क्या आप अमेज़ॉन में आगे तरक्की कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, नेट की स्पीड अगर ठीक हो तो हमारे काम पे भी इफेक्ट होगा, काम भी हम अच्छा करेंगे, जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा, असाइनमेंट कंप्लीट होंगी। बिल्कुल सारी बात है। तो आपके कितना अहम किरदार अदा देखते हैं इंटरनेट का? 90% जो है ना वो करेक्टर, वो जो किरदार है ना वो सिर्फ नेट का है, हमारे जो काम है, हमारा काम है ही ऑनलाइन, तो 90% जो काम है ना वो हमारा नेट पर होता है। ठीक है, तो अभी हमें इस पर क्या करना चाहिए कि हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकें? हाँ करना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि मतलब कि नेट के कोई इशू जो होते हैं, लाइन वगैरह कट जाती है, इस पर थोड़ी सी मतलब कि करें अपनी जो, इस पर एक्शन लें कि नेट क्यों स्लो हो रहा है। उसके अलावा 5G आना चाहिए हमारे पाकिस्तान में। ठीक है, हाँ जी। तो सर इंटरनेट की अगर बात की जाए तो इंटरनेट भी अगर इंडिया की निस्बत हमारे पाकिस्तान में इंटरनेट के पैकेजेस भी काफ़ी महंगे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पैकेजेस भाई बहुत महंगे हो गए हैं, पहले सस्ते थे, अब जो वो जैज़ का पैकेज है, मैं जैज़ की सिम यूज़ करता हूँ ना, जैज़ यूज़र हूँ, तो पहले उसके पैकेज कम थे, अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो नेट पैकेज भी बहुत ज़्यादा हर सिम के हो गए हैं, ये नहीं कि जैज़ के हो गए हैं, तो चाहिए कि पैकेज भी कम कर दें और नेट की स्पीड कम से कम स्पीड जो है 5G होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। लास्ट पे हमारे देखने वाले लोग हैं, उनको कोई लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहें आप? मैसेज उनको यही मैं दूँगा कि स्टे होम बी सेफ। जी नाज़रीन, आपको वीडियो हमारी कैसी लगी? वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल टीम स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने दोस्त शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।